हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ले रहे हैं 1 कप राइस पाउडर, 1/2 कप मैदा, थोड़ा सा गुड़ और ये 1 कप वाटर और 1/2 कप मिल्क। अभी ये सारा जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स दिया है एक साथ इसको मिक्स करना है। ये देखिए, मैं स्पून से ऐसे धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे आप मिक्स करो ताकि यहाँ पे कोई भी लम्स ना रह जाए। अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज मैं बनाने जा रही हूँ पाटी सप्टा पीठा, ये आप जानते हो। तो ये देखिए, मिक्स मैं कर रही हूँ, अभी हाथ से कर रही हूँ क्योंकि हाथ से परफेक्टली मिक्स होता है। तो हाथ से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सूजी, जो आपके घर में ही रहता है। आप 2 टेबलस्पून सूजी ऐसे मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद इसको 1 to 2 आवर्स तक हम उसको ऐसे सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, और अभी क्या करेंगे, खीर रेडी करेंगे, जो पाटी सप्टा के अंदर देते हुए फीलिंग, वो वाला, वो असल में एक तरह का खीर ही होता है जो बहुत ही डिलीशियस होता है। तो ये देखिए, 500 ml मिल्क लिया है। अभी देखिए धीरे धीरे उबाल आ रहा है, तो उसको ऐसे ही चलाते रहिए। अच्छे से उबाल आना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद 2 to 3 टेबलस्पून राइस पाउडर हम लोगों ने दे दिया है। जो आप लोग नॉर्मली राइस खाते हो उसी चावल से आप ये बना सकते हो। मैंने कच्चा वाला दिया है, जस्ट उसको भिगो के रखा था, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सी में करके ऐसे रखा था। उसको ऐसे देखिए ढक के भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा इलायची पाउडर यहाँ पर मैंने दे दिया है, कार्डमम पाउडर, उससे उसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है और टेस्टी भी लगता है। ये देखिए पूरा ये उबल रहा है अभी, और अभी मैं दूंगी यहाँ पे फिर से गुड़ दूंगी, और गुड़ देने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बहुत सुंदर कलर हो जाता है, यम्मी लगता है ये खाने में भी, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा होता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये विदाउट शुगर बन रहा है। ये देखिए, ये धीरे धीरे ऐसे गाढ़ा होता जा रहा है, जैसे कि इसका थिकनेस भी बढ़ता जा रहा है और ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। और ये ऑलरेडी रेडी हो गया है, तो अभी गैस ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से बर्तन में ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, वाओ यम्मी। और अभी ये देखिए, जो हम लोगों ने 2 घंटे पहले जो मिक्सचर ऐसे रेडी करके रखा था, ये हो गया है। और उसको ऐसे फ्राइंग पैन में आप ज़्यादा थोड़ा सा तेल ब्रश करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ तो मैं कम करके तेल यूज़ करके आपको सिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ, ये देखिए कुछ पिक्चर्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे क्लासेस के पिक्चर्स। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं बेकिंग क्लासेस देती हूँ गुवाहाटी के उलूबनी में, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो। मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो और आप आ सकते हो। और मेरा प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो भी आपको मिलता रहे। और ये देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया है, एकदम थोड़ा सा, और ये मिक्सचर मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो हम लोगों ने बना के रखा था। अभी इसको फ्राइंग पैन को थोड़ा सा इधर उधर मैंने कर दिया ताकि ये पूरा फैल जाए और थोड़ा सा पतला हो जाए। और फीलिंग अगर आप लोग कम करोगे तो ये स्लिम बनेगा, ज़्यादा दोगे फीलिंग तो बड़ा बनेगा, मैं तो ज़्यादा ही दूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा ढक के मैंने इसको अच्छी तरह ताकि ये पक जाए, थोड़ा सा ढक के बनाया था और उसके बाद फीलिंग दिया था। और अभी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जैसे आप लोग रोल वगैरह आप लोग बनाते हो या फिर आप लोग डोसा वगैरह बनाते हो, वैसे ही इसको एकदम सिंपली ऐसे कर लेना। ये देखिए पूरा रेडी हो गया है, ये पूरा डिलीशियस बन गया है। ऐसे ही आप एक एक करके बना लेना, मैंने तो बना लिया है। ये देखिए, अभी आप लोग एंजॉय करना।